नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं आज का दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा ना, विंसी प्रीमियर लीग 2023 का, उसके बारे में। ये मैच होगा डीवीई वर्सेस एफसीएस के बीच होगा ये मैच। इन डेप्थ दोनों ही टीम के बारे में एनालिसिस करेंगे, डिफरेंशियल पिक्स बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि अब तक हमारे लिए विंसी T10 कमाल कर रहा है। तो आई होप ये मैच भी आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। जैसे कि जेरोन जोन से स्टार्ट करके ओजे मैथ्यूज, हमारे डिफरेंशियल पिक्स ने अच्छा प्ले किया। आई होप इस मैच में भी निकल के आएगा कुछ डिफरेंशियल पिक। जैसे कि सिलेक्शन इश्यू के वाइस डेस्केट सबका वाइस कैप्टन है, तो हमें नवीन स्टुअर्ट, मैं मानता हूँ एक अच्छा कैप डीसी पिक है, बहुत कंडीशन सेफ है। बट अगर डिस्कट सबको बनाने का ही मन है तो उनको दोस्तों बैटिंग फर्स्ट एस बीसी आप यूज करो, बैटिंग सेकेंड में मेरे हिसाब से नवीन स्टुअर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बहुत कंडीशन अगर सेफ कोई पिक रहेगा दोस्तों वो होगा स्टुअर्ट, क्योंकि स्टुअर्ट दो ओवर डालना है। बट डिस्कट ने लास्ट के कुछ मैच में, लास्ट मैच में इनफैक्ट एक ही ओवर डाला था। कुछ और भी डिफरेंशियल पिक मिलेंगे इस वीडियो में, ध्यान से अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे तो एक बेटर टीम बहुत इजीली क्रिएट कर लोगे। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक करना। चैनल में अगर न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो इस चैनल में, तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, क्योंकि जो अगले सीरीज होंगे विंसी T10 का कंप्लीट कवरेज के साथ मिजोरम का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मिलान T10 एंड नेचर SL T10 के भी एक्सक्लूसिव कवरेज मैं लाऊंगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ जाओ टेलीग्राम, फाइनल अपडेट फ्यूचर अपडेट डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक में प्रेस करना है और रीडायरेक्ट होना है टेलीग्राम चैनल। गाइस आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में, लाइक करके स्टार्ट रखना। 100 से 120 रन स्कोर डिपेंड्स ऑन सिंगल हैंडेडली कौन बड़ा स्कोर करा सकता है। जैसे कि डिस्कट हो गया, चल गया तो 120 बनेगा, अगर नहीं चला 100 के करीब। और दोस्तों डिपेंड्स ऑन नवीन स्टुअर्ट एंड डिस्कट, इनका बैटिंग ठीक है। इनके ओपनिंग के पास देखोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब मुझे बहुत एकदम से क्लियरली कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इनके ओपोनेंट, मतलब कार्लोस ब्रेथवेट वाला टीम ठीक है, FCS, उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर नहीं है जो इस टीम का स्कोर, इनका टीम का स्कोर 130-140 बनाए। बट हाँ, इनका बॉलिंग बहुत तगड़ा है, FCS का बॉलिंग बहुत तगड़ा है। तो मुझे लगता है ये जो मैच होगा ना, ये 100-110 का ही मैच बनेगा। लेट्स सी, 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, इंडियन टाइम, क्लाउडी वेदर रहना चाहिए, बारिश मुझे नहीं लगता आएगा, पूरा सीरीज में नहीं आया। न्यूट्रल विकेट शॉर्ट बाउंड्रीज रहेगा, 21 मैचेस हो चुके, 14 बैट फर्स्ट, 7 बार चेजिंग ने विन का, 0 मैचेस अटेंडेड हुआ। डीवी से अगर ध्यान दोगे ना, नवीन स्टुअर्ट ओपन कराएगा, देखो ये ओपन कराएगा प्लस 2 ओवर डालेगा, बहुत ही सेफ वाइस कैप्टन है। और दोस्तों क्या है कि जनता नहीं करेगा बट आप कर सकते हो, कार्लोस ब्रेथवेट की जगह इनको एस कैप भी से, स्पेशली अगर इस टीम का ना बैटिंग फर्स्ट हो रहा है, कार्लोस ब्रेथवेट का टीम का अगर बैटिंग फर्स्ट हो रहा है तो कार्लोस ब्रेथवेट बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको बैटिंग मिलेगा 100% मिलेगा अगर ब्रेथवेट वाला टीम बैटिंग फर्स्ट करेगा। बट अगर ब्रेथवेट वाला टीम बैटिंग सेकेंड करेगा, आप एक चांस ले सकते हो। इसका ना मैं ऑपोजिट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मे बी ये टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो स्टुअर्ट को एक आधा विकेट मिलेगा, और ब्रेथवेट वाला टीम अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो दोस्तों वो मे बी आउट भी हो सकते हैं। बट इसका ऑपोजिट भी है, मुझे लगता है कि इस सीरीज में ना कोई प्लेयर बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है कंपेयर टू बॉलिंग, अगर बड़ा पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ तो। दोस्तों मैं मानता हूँ नवीन स्टुअर्ट अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो डिफरेंशियल कैप्टन पिक जरूर बन सकता है, सिर्फ रे जॉर्डन वाला ओवर खेलना है, क्योंकि कार्लोस ब्रेथवेट पीछे बॉलिंग कराएगा, अगर ये खेल दिया ना ओवर तो अच्छा खेलेगा। और दोस्तों मुझे जो लगता है ये बहुत ज़्यादा क्रॉस बैटर शॉट खेलते नहीं है, तो ये खेल लेंगे सर। हर मैच में इसने रन बनाया, 18, 45, 22, 49 लास्ट के कुछ मैचेस में, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस है मस्त पे गया। इसके साथ डिस्केट्स आपको वन डाउन खेलते हुए दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ड्रॉप मत करो। अगर कैप विसे बनाने का मन है तो बैटिंग फर्स्ट बनाओ, सेकंड इनिंग्स में मत बनाओ, बट टीम में बहुत कंडीशन रखो ठीक है। रोमेरियो पियर रोटेट करके यूज़ करना है तो करो, शैमन ऊपर को मैं लूंगा क्योंकि इसने 2 ओवर डालना है। देखो शैमन ऊपर कभी बॉलिंग करते कभी नहीं करते, कभी 2 ओवर डाला फिर 1 ओवर डाला फिर 2 ओवर डाला ठीक है। अब मुझे लगता है ये 1 ओवर डालेगा, तो चाहो तो रोटेट कर सकते हो, चाहो तो रख सकते हो ठीक है। और डेंजन होइट दोस्तों कब लेना है, बैटिंग फर्स्ट, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डेंजन होइट को लेना है तो दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट ट्राई करो, बॉलिंग सेकेंड आप ड्रॉप रोटेट कर सकते हो, बट बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि 2 ओवर लास्ट मैच में डाला, 3 विकेट निकाला, हाई चांस है फिर से 2 ओवर डालेगा ठीक है। विकेट मिलेगा मिलेगा नहीं ये तो प्लेयर्स के ऊपर है। चेस्टन स्टो डिफेंशियल लेना है तो दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसने लास्ट मैच में डेथ डाला था, डेथ ओवर, और अच्छा डाला था, 1 ओवर में 9 रन एक विकेट, तो चांसेस है कि इसका ओवर मिले इस मैच में ठीक है। कैंसन डेलजेल ने 2 ओवर 20-0 अच्छा बॉलिंग डालते हैं, बट एक चीज़ क्या है कि डेलजेल ना पावर प्ले में डालता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना पावर प्ले के बॉलर को कम लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि ओपोनेंट का बेस्ट बैट्समैन पावर प्ले में रहता है, ऐसा नहीं कि FCS का बेस्ट बैट्समैन पावर प्ले में है,
बट डेफिनेटली पावर प्ले में जो इनसाइड मतलब जो बाउंड्रीज होता है ना, उधर अगर बॉल गया, क्योंकि बाउंड्री में दो ही फील्डर रहेगा, ठीक है, और सर्कल में, सर्कल के अंदर ज़्यादातर तो फील्डर रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्लेयर्स कैसे भी इनफील्ड क्लियर किया ना, तो आउट होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। डेरियस मार्टिन अगर खेलता है ग्रैंड लीग में, बॉलिंग फर्स्ट यूज़ कर सकते हो, सीजन अच्छा नहीं किया बट प्लेयर अच्छा है। सेलरोन विलियम्स लेग स्पिनर है, मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रेस करता हूँ लेग स्पिनर्स को, जब विकेट निकालते गुच्छे में निकालते, एक बार दो विकेट भी निकाला इसने, ठीक है। डेरोन ग्रेव्स खेलता है तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगा अगर खेलता है तो, अगर नहीं खेलता है तो आप कैसे लोगे। ओपनिंग बॉलिंग कौन है, डेल्जल है, डेल्सन व्हाइट है, सेमन हुपर। डेथ में कौन कराएगा, एम स्टुअर्ट कराएगा, डिस्कट्स कराएगा और चार्ल्सन स्टो, लास्ट मैच में स्टो ही कराया था। इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है गाइस, आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर लेना, यहाँ पे इतने मैचेस के बाद मुझे पता है आप लोग भी रिव्यू नहीं करोगे, बट स्टिल जिनको करना है कर सकते हैं, ठीक है। डेरियस मार्टिन अच्छा डिफेंशियल प्लेयर है, प्लेयर अच्छा है दोस्तों डेरियस मार्टिन, सीजन अच्छा नहीं किया। अगर आप देखोगे पास रिकॉर्ड मार्टिन का, 15 मैच में 13 विकेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कौन है मार्टिन, एफ सी एस से अगर आप देखोगे ना गाइस, तो गिडोन पोपे आपको ओपन करते हुए दिखेगा, सेल्वन ब्राउन के साथ, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस मैच में, क्योंकि ओपोनेंट टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, खासकर ओपोनेंट का बॉलिंग यूनिट मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनका ओपोनेंट का बॉलिंग यूनिट वीक है, तो दोस्तों डेफिनेटली दोनों को आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ कार्लोस ब्रैथवेट अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ, डिफॉल्ट कैप्टन, सेकेंड इनिंग्स में भी सेफ है, क्योंकि पॉइंट्स तो ये आपको 100% देगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको 100% देगा, बट क्या करता है ना, यहाँ पे इनका बड़ा पॉइंट कहाँ पे, 64 रन वाला पॉइंट ज़्यादा है डेफिनेटली, दो विकेट से 64 रन पे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और इनका अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ ना, ये बैटिंग से भी पॉइंट देगा, बॉलिंग से अगर एक आधा विकेट निकाल गया तो इंपॉर्टेंट है। अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि पहला ओवर अगर विकेट लेस गया ना, अगला ओवर में सिर्फ एक ही विकेट मिले, ठीक है, हर बार तो दो विकेट नहीं मिलेगा। सेलॉय विलियम्स कभी बहुत बैटिंग करते हैं, कभी बॉलिंग करते हैं, हर बॉलिंग इस सीजन में ज़्यादा किया नहीं है, सिर्फ बैटिंग किया, बैटिंग बहुत नीचे है, मैं शायद ना ही लूँ। जेरोन जोस क्या ही कमाल का रिकॉर्ड है इनका, 3 विकेट है। अब देखो ये ऑल्टरनेट मैच में गिर लेता है, 3 विकेट है, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 3, अब ये शायद 0 फिर से जाए, बट टीम से ड्रॉप मत करना। ऑस्ट्रन बॉब डिफेंशियल कोई प्लेयर है मेरे पास, यस है ऑस्ट्रन बॉब, क्योंकि ऑपोनेंट टीम उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दोस्तों ये ना प्ले में आएगा, जरूर प्ले में आएगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बहुत अच्छा बॉल डालता है, पकड़ के बॉल डालता है, टीम इनसे ओवर हर मैच में कंप्लीट करा दे। विंसेंट सैमुअल लास्ट मैच में 1 ओवर का पिटाई खाने के लिए आया था, केविन अब्राहम 2 ओवर डालने वाला बॉलर, रख सकते हो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ऑल ऑस्टर्न ऑफ राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। अगर इस टीम का बैलेंस देखोगे तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, इनके पास ना थोड़ा लेफ्ट ज़्यादा है, मतलब लेफ्ट ज़्यादा है, तो कौन प्ले में ज़्यादा आएगा, फिर से वही नाम केविन अब्राहम, अच्छा बॉलिंग डाल रहा है इस सीजन में, मेडन भी डाल जाता है कभी कभार, विकेट तो मिल ही जाता है, तो ऑस्टर्न बॉब से ज़्यादा प्ले में आ रहा है केविन अब्राहम, बट ऑस्टर्न बॉब अच्छा प्लेयर है, पकड़ के बॉल करता है। रे जॉर्डन लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था, इंजरी से आ रहे हैं, बट प्लेयर अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर खेलता है तो ड्रॉप नहीं कर सकते, तो हर मैच में इनका विकेट है, एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो हर मैच में विकेट निकाला है इस सीजन में, ठीक है। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, रे जॉर्डन कराएगा, केविन अब्राहम कराएगा, ऑस्टर्न बॉब कराएगा, जे जॉन्स, कार्लोस ब्रैथवेट और विंसेंट सैमुअल करते हुए दिखेंगे आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है, चाहो तो गाइस आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो, कोई न्यू प्लेयर ऐड हुआ, लेस हुआ, सब्सक्राइब हुआ, जो मर्जी वो करो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलते हम लोग सीधा हमारे कहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम में, दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, मैंने कैप्टन बनाया कार्लोस ब्रैथवेट को, मैंने लिया वाइस कैप्टन एंड स्टुअर्ट, डिस्कट्स के ऊपर मैंने स्टुअर्ट को लिया, थोड़ा सा रिस्क है, जनता स्टुअर्ट के डिस्कट्स के साथ जा रहा है, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना आपको पसंद करूँगा दोस्तों, अगर बैटिंग फर्स्ट होता है ना किसका दोस्तों, डीवी का, तो एस डिस्कट्स भी अच्छा ऑप्शन होंगे एस बी सी। अब मैंने ये बात क्यों किया, देखो स्टुअर्ट का क्या है कि ये पावर प्ले में बैटिंग करेगा, तो सेकेंड इनिंग्स में इनको ज़्यादा बॉल फेस करने का मौका मिलेगा लॉजिकली, क्योंकि ऊपर खेल रहा है, डिस्कट्स आफ्टर पावर प्ले आएंगे, बट यहाँ पे एक और बात भी है, स्टुअर्ट को ना फेस करना पड़ेगा रे जॉर्डन, और रे जॉर्डन हर मैच में विकेट निकाला है, तो क्या इसका विकेट गिरेगा या फिर दोस्तों इसका पार्टनर का विकेट गिरेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो एन स्टुअर्ट उतना बुरा पिक नहीं है, अच्छा पिक है, मुझे जितना लगा है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की शॉट नहीं खेलता है, गैप में ज़्यादा शॉट खेलता है ना कि सिर्फ पावर हिटिंग करता है, तो स्टुअर्ट आइडियली मेरे हिसाब से पॉइंट्स दे सकता है, बट डेफिनेटली अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो डिस्कट्स भी अच्छे ऑप्शन होंगे। कार्लोस ब्रैथवेट एक सेफेस्ट है, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कार्लोस ब्रैथवेट को टीम देख के खेल गया और इसको बैटिंग बहुत नीचे है, ठीक है। सेल्वन ब्राउन है, गिडोन पोप है, डेल्सन व्हाइट है, रे जॉर्डन, शेमन हुपर, डेरिल ग्रेव्स, केविन अब्राहम, जे जॉन्स, मैं एक और टीम जरूर बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं इनको कैप्टन बना के ना इनको वीसी बनाने वाला हूँ या फिर इनको वीसी बनाने वाला हूँ, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये रहेगा मेरा टीम, कुछ भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।